हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे SCCL की तरफ से भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट यहां पर 4 फरवरी 2021 रखी गई है। 4 फरवरी 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन यहां पर ITI या फिर GNM मांगी गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनी और स्टाफ नर्स की वेरियस पोस्ट आपको दी जाएगी। कोई फीस नहीं है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ऑल इंडिया पोस्ट है, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द सिंगा रेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में सारी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में पा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो सिंगा रेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और पोस्ट की बात करें तो ट्रेनी और स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको दी जाएगी, जिसके अंदर टोटल 372 वैकेंसी रखी गई है। ऑल इंडिया पोस्ट है, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट यहां पर 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 वर्ष रखी गई है। एज रिजर्वेशन भी यहाँ पर रखा गया है एज पर गवर्नमेंट रूल। आगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेनी के लिए यहाँ पर SSC सर्टिफिकेट मांगा गया है, साथ ही साथ ITI भी होना अनिवार्य है। वैसे ही स्टाफ नर्स की बात करें तो GNM मांगी गई है या फिर BSc नर्सिंग होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। निःशुल्क यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस रखी गई है। और जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 200 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। तो दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी। अब पूरी जानकारी आगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पर दोस्तों उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे हमको मोटिवेशन मिले और जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आए आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द सिंगा रेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई है, यानी SCCL की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि ग्रेड यहाँ पर ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। A1 की बात करें तो 47,800 दी जाएगी। A की बात करें तो 37,000 महीने की सैलरी दी जाएगी। ग्रेड बी की बात करें तो 34,391 रुपीज़ महीने की सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर आपको सामने ग्रेड पे के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दी हुई, जो कि काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। जैसे कि फिटर ट्रेनी केवल मेन के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी केवल मेन के लिए। और नीचे की तरफ चलेंगे तो वेल्डर ट्रेनी केवल मेन के लिए यहाँ पर रखी गई है। और टर्नर मैकेनिस्ट केवल मेन के लिए, मोटर मैकेनिक। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जूनियर स्टाफ नर्स, यहाँ पर ये वैकेंसी केवल फीमेल के लिए है, यहाँ पर मेन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनकी अगर सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो फिटर ट्रेनी की बात करें तो यहाँ पर SSC सर्टिफिकेट मांगा गया है, साथ ही साथ ITI भी आपकी होनी चाहिए फिटर ट्रेड से। वैसे ही यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको 128 दी गई है फिटर ट्रेनी के लिए। और नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी की बात करें तो वही SSC और ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 51 दी गई है। वैसे ही यहाँ पर आपको सारी वैकेंसी के लिए एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो कि SSC विद ITI। और एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की दी गई है, जिसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। सभी वैकेंसी के यहाँ पर एज लिमिट सेम है। लेकिन स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है GNM से, या फिर BSc नर्सिंग होना अनिवार्य है। और एज लिमिट यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की रखी गई है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। और एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और डेट की बात करें तो 22 जनवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे।
और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो नीचे आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि 200 रुपये यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के रखी गई है, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फ़ीस नहीं है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। तो दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।